ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्सी इशू नहीं है। क्यों नहीं है कि जो वहां से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है उसके लिए ये कानून आया है, भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है। और मैं खुद उसके लिए बोलूंगा अगर कोई बात होगी। दीवान साहब ने यही अपील करी है कि किसी भी स्वार्थी तत्व के बहकावे में ना आए। इस कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि किसी भारतीय की नागरिकता छीनी जाए। यदि किसी की भारतीयता की नागरिकता छीनी जाती है मुसलमान की, तो सबसे पहले आवाज हम तमाम लोग दीवान साहब की कयादत में बुलंद करेंगे। ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्सी इशू नहीं है। क्यों नहीं है कि जो वहां से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है उसके लिए ये कानून आया है, भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है। और मैं खुद उसके लिए बोलूंगा अगर कोई बात होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में साफ करनी चाहिए कि ये उन लोगों के लिए है। इसमें हमारे देश के गृह मंत्री ने आधिकारिक बयान दे दिया। दीवान साहब ने यही अपील करी है कि किसी भी स्वार्थी तत्व के बहकावे में ना आए। इस कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि किसी भारतीय की नागरिकता छीनी जाए। ये भारतीय में जो बाहर से लोग आ रहे हैं पीड़ित प्रताड़ित लोग, उनको नागरिकता देने के लिए। और यदि किसी की भारतीयता की नागरिकता छीनी जाती है मुसलमान की, तो सबसे पहले आवाज हम तमाम लोग दीवान साहब की कयादत में बुलंद करेंगे। लेकिन जब हमारी सरकार आधिकारिक तौर पर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रही है, तो हमें संयम रखना है और मुल्क की तरक्की में सरकार का योगदान देना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। आपने कहा है कि देश के हालात अभी खराब है, इसलिए ये काउंसिल है जो तमाम तरह की मीटिंग रखी जा रही है। किस तरह की हालात? दीवान साहब ने कहा हालात खराब है, दीवान साहब ने कहा है ना देश के भी हालात जो है सही नहीं है। आपने कम सुना है? नहीं, दीवान साहब ने कहा, मैं आपको स्पीच दे दूं। दीवान साहब ने कहा है मुल्क में जो हर तरफ से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, हर धर्म के कोई कोई क्लेम कर रहा है, कोई क्लेम कर रहा है। देखिए अदालतों के फैसले आ रहे हैं ना, तो एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। लेकिन हारने वाला पक्ष उस अदालत के फैसले से असहमत भी रहता है, उसके दिल में कटुता भी रहती है, खलीश भी रहती है। हमारा मानना यह है कि अदालत के बाहर यदि कोई निर्णय होता है तो एक दूसरे का सम्मान भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा और इस मुल्क को मजबूती मिलेगी। तो इसलिए तमाम धार्मिक संस्थाओं से, हिंदू मुस्लिम संस्थाओं से अपील करते हैं, हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे, आप आए बैठें, इन तमाम मसलों का सम्मान जनक हल निकालें। ये दीवान साहब आप खाली इसका क्लियर कर दो, आप ज्ञानवासी मसले पर जो भी फैसला हुआ वो कोर्ट में हुआ, अब आप इसमें किस तरीके से नेगोशिएट करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए जो कोर्ट में मैटर है उस मामले में हमारी कोई टिप्पणी नहीं, कोर्ट में जो बात कर रहे हैं वो डिसाइड कर रहा है, अपन नहीं कर रहे पूरा मैटर। हम चाहते हैं कि कोर्ट के बाहर अगर पॉसिबल हो तो उसके जो उसका ग्राउंड बनेगा उसके बगैर पूरी डिस्कशन होगा तमाम संस्थाओं से, फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम बैठे कि हम किस हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं दोनों पक्ष और एक समाज में करने के लिए दुनिया में कहते जाना चाहिए। आज हिंदुस्तान की हुकूमत देखिए मुस्लिम कंट्री में हमारे कितने अच्छे रिलेशन है, हम तमाम संस्थाओं से बात करें, ग्राउंड में आकर दीवान साहब ने मुझे हुक्म किया, हम तब से बात करें, पहले मुस्लिम संस्थाओं से बात करेंगे, फिर हिंदू संगठनों से बात करेंगे। हम चाहेंगे कि उसमें हम लोग उनकी मध्यस्थता करके इस मसले का हल निकालें, काम कीजिए। मुस्लिम संगठनों से, मुस्लिम तंजीमों से, इदारों से, जो खानकाओं से हट करके किन किन से बात हुई? देखिए हम तमाम संस्थाओं के टच में ऑलरेडी रहते हैं, बातचीत होती रहती है, लेकिन अब ये मौकूफ दीवान साहब किबला ने जो हमारे चीफ पेट्रोल काउंसिल उन्होंने रखा है, हम तमाम जो जितनी जिम्मेदार संस्थाएं हैं देश में मुसलमानों की उन सबसे बात करेंगे और तमाम उलमाए दीन से भी रहेंगे कि इस मैटर पे किस हद तक हम किस तरीके से बात कर सकते हैं। उसके बाद में हिंदू जो हिंदू संगठन उनसे भी हम लोग टच में रहते हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। तो हम एक पहले ग्राउंड तैयार करेंगे, उसके बाद में इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत तो हो हर संस्था की गलती है कि आप समाज की बुराई को बोल दो, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस मुल्क में इस धार्मिक विवाद को हमेशा से समाप्त किया जाए। आज की तारीख में लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है, आज की तारीख में अपने मुल्क को मजबूत करें, भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, हमारा विकसित भारत की तरफ हमारा अभियान है, तो हम सब कोई इन सब चीजों को पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना।